हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखे सब कुछ में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में इस तरीके का 3D लोगो डिजाइन किस तरीके से बनाया जाए। फ्रेंड्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं फोटोशॉप में 3D पैटर्न डिजाइन, मैनिपुलेशन, लोगो डिजाइन, फोटो इफेक्ट, पॉप आउट ट्यूटोरियल और फोटोशॉप की बेसिक सीरीज पर वीडियो बनाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इन सभी को सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। अब फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हम कंट्रोल एन से एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। अब आप यहाँ पर प्रीसेट में जाकर कस्टम पर ओके कर लें और यहाँ से आप पिक्सल पर ओके रखें। विथ में साइज रखें आप 1280, हाइट रखेंगे आप 720, रेजोल्यूशन 72, कलर मोड RGB और बैकग्राउंड कंटेंट वाइट रहेगा और उसके बाद आप ओके पर क्लिक कर दें। इसके बाद आप टूल बार में यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ से आप एलिप्टिकल टूल को ले लें और इसके बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पर शेप पर ओके रखेंगे, यहाँ से आप नो कलर पर ओके रखेंगे और यहाँ से आप कोई एक कलर चूज कर लेंगे। मैं यहाँ से ब्लैक कलर ले रहा हूँ और यहाँ से इसके साइज को हम 2 रखेंगे और यहाँ से इस पहले वाली नॉर्मल लाइन को ओके रखेंगे। अब आप शिफ्ट की को होल्ड रखते हुए इस तरीके से एक सर्कल क्रिएट कर लें। अब इसे सेंटर में करने के लिए कंट्रोल से सिलेक्ट होल्ड करें, मूव टूल पर आ जाएं और उसके बाद आप अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर और फिर अलाइन वर्टिकल सेंटर पर क्लिक करें। अभी सेंटर में आ चुका है। अभी सिलेक्शन से हटने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस कर दें। इसके बाद आप यहाँ पर राइट क्लिक करें और इसे रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर लें। अब कंट्रोल जे से इस लेयर की एक कॉपी बना दें और कंट्रोल टी से इसे सेलेक्ट करें। अब फ्रेंड, ये जो सेंटर में आपको उसका पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे आप कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखते हुए इस तरीके से ड्रैग करके यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दें। आप इसे इस वाले पॉइंट पर छोड़ दें और उसके बाद आप कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट की को होल्ड रखें और इस तरीके से अंदर की तरफ एक सर्कल क्रिएट कर लें और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर लें। अब फ्रेंड्स, सेम एंगल पर इसी तरीके से इसकी और कॉपी बनाने के लिए कीबोर्ड में इसका शॉर्टकट होता है, ऑल्ट कंट्रोल और शिफ्ट की को आप होल्ड रखें और टी को प्रेस करें, छोड़ें इस तरीके से। अब इसके बाद आप यहां से इस पहली वाली लेयर को सिलेक्ट रखें और कीबोर्ड से शिफ्ट की को होल्ड रखें और यहां पर इस लास्ट वाली लेयर पर आप क्लिक कर दें तो ये सभी लेयर सिलेक्ट हो जाएंगी और उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर दें ताकि ये सभी लेयर एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम यहाँ से न्यू लेयर लेंगे और फिर से टूल बार से आप एलिप्टिकल टूल लेंगे और शिफ्ट की को होल्ड रखते हुए इस तरीके से फिर से एक सर्कल क्रिएट करेंगे। अब फ्रेंड्स, इस सर्कल को हमें ये जो अंदर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है इसके सेंटर में लेकर के आना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर मूव टूल पर जाएंगे और इस शेप को हम इधर साइड में कर लेंगे और ऊपर से हम यहाँ से एक गाइडलाइन ले लेंगे और यहाँ पर इस पेज के सेंटर पर लाकर छोड़ देंगे। अब हम कंट्रोल टी से सर्कल को सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड, ये जो सर्कल के आपको सामने के तीनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ ये जो तीनों पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट को आपको गाइडलाइन से टच करा देना है इस तरीके से, ये देखिए फ्रेंड, और इस तरीके से हम इसे यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये सेंटर में आ चुका है। सेंटर में लाने के बाद फ्रेंड्स, आप इसे एडजस्ट करें। एडजस्ट आप इसे इस तरीके से करेंगे कि इसकी लाइन नीचे वाले सर्कल से आगे पीछे नहीं दिखाई देनी चाहिए, वो ठीक इसके ऊपर नीचे होनी चाहिए। एडजस्ट होने के बाद आप एंटर प्रेस कर दें। इसके बाद फ्रेंड, आप यहां पर राइट क्लिक करें और इसे रास्टराइज लेयर में कन्वर्ट कर लें। अब आप कंट्रोल जैसे इस लेयर की कॉपी बना दें, कंट्रोल टी से सेलेक्ट करें और फिर से पहले की तरह कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड रखें और इस सेंटर पॉइंट को आप यहां पर लाकर छोड़ दें। अब इसके बाद आप कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट की को होल्ड रखें और इस तरीके से अंदर की तरफ छोटा करें और उसके बाद आप एंटर प्रेस करें। अब पहले की तरह इसकी और कॉपी बनाने के लिए इसी एंगल पर कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट की को होल्ड रखें और टी को प्रेस करें, छोड़ें इस तरीके से। अब आप इन सभी लेयर को सिलेक्ट करके कंट्रोल ई से मर्ज कर दें। अब आप इस गाइडलाइन से हटने के लिए कंट्रोल एच प्रेस कर दें। अब फ्रेंड्स, इसमें हमें कलर करना है तो उसके लिए आप टूल बार में यहां पर राइट क्लिक करें और यहां से आप मैजिक वैंड टूल को ले लें और यहां पर आकर आप क्लिक करें तो जो आप कलर इसमें फिल करना चाहें वो आप यहां से ले सकते हैं। तो मैं यहां से इसमें ब्लैक कलर फिल करूंगा तो उसके लिए मैं यहां पर क्लिक करूंगा और यहां से ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब फोटोशॉप में फोरग्राउंड कलर फिल करने का शॉर्टकट होता है, ऑल्ट की को होल्ड रखें और बैक की को प्रेस कर दें। ये देखिए फ्रेंड, यहां पर कलर फिल हो गया। अभी सिलेक्शन से हटने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करें, फिर से मैजिक वैंड टूल पर रहते हुए आप यहां पर क्लिक करें और फिर से ऑल्ट की को होल्ड रखें और बैक की को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, यदि आप फोटोशॉप को शुरुआत से सीखना चाहते हैं या फिर फोटोशॉप में मैनिपुलेशन कैसे बनाया जाए
उसमें 3D इफेक्ट कैसे दिया जाए ये सब सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सीखने के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक एक रो में कलर फिल कर लें। अब आप इसे फिट टू स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल जीरो प्रेस कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका डिजाइन क्रिएट हो चुका है। अब आप इसे मूव टूल से कहीं पर भी इसे यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स, वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर और कमेंट। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले ट्यूटोरियल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।